और बहुत ही किफ़ायती है, काम करती है, बट इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे एम में। हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनिजा चैनल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में हम टेस्ट करेंगे सैनडिस्क कनेक्ट वायरलेस स्टिक की परफॉर्मेंस, और एक्चुअल में ये वर्क करता भी है कि नहीं, ये यूज़फुल है भी सही आपके लिए नहीं। तो हम ये टेस्टिंग करेंगे आपके सामने लाइव। तो हमने जो है इसको एक हफ्ते चलाया है और हम आपको ये कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है, हम वो भी आपको बताएंगे। तो जस्ट आपको इसको दबाना थोड़े सेकंड के लिए, तो ये स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है ये रेडी टू कनेक्ट है। तो आपको इसके वाईफाई से कनेक्ट करना होगा पहले। ये हमारे पास मोबाइल है, आप चाहो तो इसको टेबलेट से भी जोड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें वाईफाई हो आप उसको जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सैनडिस्क की कनेक्ट ड्राइवर के ये ऐप है आपने डाउनलोड करनी है इसको ऑपरेट करने से पहले। तो हम जो है सबसे पहले वाईफाई मैनेजर में जाएंगे। ये एक ऐप है, आप चाहो तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई मैनेजर है उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सैनडिस्क कनेक्ट आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, तो इससे आपको कनेक्ट करना है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि आप एक ही चीज़ चला सकते हैं, या तो वाईफाई इंटरनेट, यानी कि अगर आपके पास वाईफाई राउटर है या तो वो कनेक्ट होगा, या फिर ये एक साथ दो चीज़ें नहीं चला सकते। या तो आप वाईफाई से इंटरनेट चला सकते हैं या आप वाईफाई से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सैनडिस्क वायरलेस स्टिक कनेक्ट हो गई। तो अब जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप सैनडिस्क ऐप में जाएंगे और इधर देखिए ये हमारी फाइलें आ गई जो इस पेन ड्राइव में है। तो ये सारी फाइलें जो है हमने इसमें डाल रखी, हम आपको कुछ फाइलें चलाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये रिलीजियस सॉन्ग है और इसमें हम ये आपको म्यूज़िक चलाकर दिखाते हैं। तो ये हम एक फाइल चला देते हैं टेस्ट के लिए। तो इसका बहुत ही अच्छा फायदा है कि बिना किसी रुकावट के आप वीडियो या म्यूजिक सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिना किसी रुकावट के चल रही है और इसकी रेंज जो है 200 मीटर है, यानी कि आप दूर भी रख दे तो आराम से चलता रहेगा। तो ये हम आपको आवाज़ चला कर दिखाई कि कैसे आप इसमें फाइल चला सकते हैं। और अब जो है हम आपको इसमें आपको फाइल कैसे ट्रांसफ़र करनी है वो भी देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है कि ये वाला जो ये है बटन, ये करेंगे आप और ये आप सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी चीज़ इसमें ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि टैप टू सिलेक्ट द फोटो, तो यहाँ पर हम जो है फ़ोटो सिलेक्ट हो गई, इसको हम वीडियो में आते हैं। टैप टू सेलेक्ट द वीडियो टू अपलोड, तो ये हमारी वीडियो आई पड़ी। तो आप कोई भी वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। ये हमारे जितने भी मोबाइल में वीडियो हैं सारी आ गई। इसकी लिमिटेशन है क्योंकि ये सिर्फ इसी ऐप के अनुसार काम करेगा, ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है, यानी कि आप इसमें स्मूथली फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको जो है थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल इसमें डालना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। तो हम जो है जैसे ये वाली फाइल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मल्टी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने दूसरी फाइल सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट डेस्टिनेशन हम इसमें टच करेंगे और इसमें आप चाहो तो नया फोल्डर बना सकते हैं। तो हम जो है ये हमारा मेन डायरेक्टरी आ गई, तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, टेस्टिंग फोल्डर, और इसमें जो है हम फाइल आपको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी फाइलें हैं तो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर आप देख सकेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, अराउंड 2 से 3 MB/s इसकी स्पीड है। देखिए इसने जो है 10
एमबी की फाइल जो है जस्ट 3 सेकंड में अपलोड कर दी। तो हम जो है इसको ओके कर देते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हमने जो फाइल डाली है वो कौन सी है। तो ये इधर हम देखते हैं, हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था टेस्टिंग फोल्डर है, तो ये हम जो है चला कर दिखाते हैं आपको। तो ये वीडियो तो ये एक कंप्रेस फाइल है, आप चाहो तो हाई क्वालिटी वीडियो फाइल भी इस पेन ड्राइव से चला सकते हैं अपने लैपटॉप टैबलेट मोबाइल में। तो बहुत ही यूजफुल और यूनिक कंसेप्ट है और बहुत ही काम का है, पर इसकी ऐप जो है इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये स्टिक है। तो इसकी जितनी भी लिमिटेशन है वो इसकी ऐप के कारण है, पर इस स्टिक में कोई कमी नहीं है। 200 रेंज है इसकी, आप जो है 1-2 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हो। ये हमारे पास 16 GB की है, ये जो है 32, 64, 128 और 200 GB में भी आती है। प्राइस की बात करें तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, ये हमें 1400 रुपये की पड़ी। अगर आप 32 GB की लेते तो आपको 1800 या 1900 की पड़ती, 64 GB की जो है आपको 2800 की पड़ती, और 128 GB की जो है आपको 3500 या 4000 की पड़ती, और 200 GB की जो है आपको 5500 के करीब पड़ती। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर वीडियो शूट करते करते आपके मोबाइल भर जाए उस केस में तो ये स्टिक बहुत काम आती है। तो आप जो है अपनी इंपॉर्टेंट फाइल या वीडियो इसमें ट्रांसफ़र करके अपना जो मोबाइल है उसको खाली कर सकते हैं और नई वीडियो या फोटो खींच सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम जो है इस प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो में डालेंगे, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आने वाला समय जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी का, और कई कंपनियां जो हैं अपने वायरलेस फ्लैश ड्राइव मार्केट में लाएंगी। इवन सीगेट भी जो है अपनी 1 TB की हार्ड डिस्क जो है वायरलेस में ला चुका है, पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही। ऐसे ही जो है आजकल जो है वायरलेस मीडिया कार्ड रीडर भी आ रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और ये जो है सैंडिस्क की जो ये वायरलेस स्टिक है बहुत ही पॉपुलर है।